ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर का खुमार दर्शकों के सर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों स्टार्स की ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाए बैठी है। वॉर के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर अगर एक नजर डालें तो अब तक ये फिल्म करीब 400 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। इसके अलावा अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर ऋतिक के फैंस झूम उठेंगे। ट्रेड एक्सपर्ट तनर आदर्श के मुताबिक ऋतिक की वॉर नॉर्थ अमेरिका में उनकी सुपर 30, कृष 3 और अग्निपथ जैसी कई बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। भारत में वॉर ने मात्र 11 दिनों में ऋतिक की सबसे बड़ी हिट फिल्म कृष 3 को कमाई के मामले में मात दे दी है। वॉर दिन पे दिन कमाई के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। रिलीज के दिन ही ये फिल्म 53 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन कर भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई थी। इसके अलावा वॉर 3 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए के क्लब में और 7 दिनों के अंदर 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई थी। ऋतिक रोशन के साथ फिल्म में टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर भी लीड रोल में हैं। खालिद यानी टाइगर श्रॉफ और कबीर यानी ऋतिक रोशन की इस जोड़ी को पर्दे पर देखने के बाद दर्शकों का फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में वाणी कपूर का बोल्ड अंदाज भी सभी को काफी पसंद आ रहा है। थिएटर्स में ऑडियंस को खालिद और कपीर के बीच एक्शन सीन्स खूब भा रहे हैं और यही वजह है कि इसका असर फिल्म की कमाई पर भी देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। फिल्म काफी दिनों पहले ही अपनी लागत वसूल कर चुकी है। वहीं इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 5,350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म को मिल रहे रिस्पांस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रिकॉर्ड्स तोड़ कमाई करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, वॉर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। दूसरे की तोड़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड खुद की भी तोड़ते हैं। तो रिसेंटली आपने बागी 2 का बिगेस्ट ओपनिंग आप वॉर से देखे, आपने बागी 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खुद का रिकॉर्ड, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत मतलब ऑब्वियसली खुशी की बात है, और खासकर क्योंकि ये कुछ आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, यू नो, सच अ बिग ओपनिंग। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्ड। और जैसे मैं कह रहा था सर, हम लोग यू नो उम्मीदें दिमाग में नहीं रख रहे थे। हम लोग बस हर शॉट, मेरे लिए खासकर चैलेंज ये था कि मेरे सामने ऋतिक रोशन खड़े हैं, तो मुझे अपना बेस्ट देना था हर शॉट, और उनको यू नो टक्कर नहीं कहूँगा पर ये कहूँगा कि मुझे बस अपना बेस्ट देना था उनके सामने, और उनको सही से मतलब क्यूज रिएक्शंस देने थे, बस उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। या ऋतिक या ऋतिक टाइगर सिद्धार्थ एंड वाणी, सी देयरफॉर यस्टरडे आई सॉ द फिल्म, द मोमेंट आई वाज इनटू द स्क्रीनिंग स्टार्टेड या सच तो वॉर फिल्म देख रहा था, देन आई वाज एट वॉर विद माई सेल्फ के हुम टू वॉच, ऋतिक और टाइगर। आपके जो दैट मोटर बाइक सीक्वेंसेस एंड स्पेशली दो सीक्वेंस इन दैट इन द कार एट द आर्कटिक ओशन वेयर एवर यू शॉट दैट फिल्म, इट वाज माइंड बॉगलिंग। और ये मेरे मुझे लगता है कि सभी ऑडियंस के साथ में ये सिलसिला रहने वाला है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग नेक टू नेक विद ईच अदर विद सच टैलेंट ऑफ ईच ऑफ यू गाइस एज सच? वेल इट वाज ग्रेट, या आई थिंक विदाउट, इफ यू डोंट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग इट इज इंपॉसिबल टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो मेरे लिए इट हैज़ बिन, लोग कहते हैं कि यू नो स्टूडेंट मेंटोर, ऑन सेट उल्टा था, मैं सीख रहा था क्योंकि आई वॉज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द डिसिप्लिन दैट ही हैज़, द प्रोसेस दैट ही अप्लाइज, द ऑनेस्टी, द इंटेग्रिटी एंड नो ईगोज। और कौन सीख रहा था, कौन सिखा रहा था, किसी को नहीं पता। कौन टीचर था, कौन स्टूडेंट था, किसी को नहीं पता। टाइगर, अबाउट यू? आई थिंक मेरे लिए जब भी हम एक्शन करते थे, यू नो वी टू ऑलवेज टेल ईच अदर कि यार सर, यू नो वे हम दोनों डांस पार्टनर्स जैसे हैं, क्योंकि हम जब भी एक्शन करते थे, कॉम्बैट करते थे, इट यूज टू फ्लो सो वेल एंड वी टू हैव ईच अदर्स रिदम एंड हैव ईच अदर्स बैक्स, सो इट वॉज लाइक वी आर बेसिकली डूइंग लाइक अ पार्टनर डांस। तो आई थिंक सिद्धार्थ सर भी अग्री करेंगे कि हम लोग मुश्किल से दो दो टेक्स में ख़त्म करते थे। Siddharth, how was it experiencing these two giants in front of you? How was the experience as far as you are concerned directing?
I think mere liye, I think they were just Khalid and Kabir. I think agar ye, I would look at them as Hrithik Roshan and Tiger Shroff, it would be overwhelming. But as a director, you have to look at them as your characters. I think that was key, that you don't get overawed. Siddharth, aapke samne Vikas from News Nation. Yeah. जैसे कि मैंने आपका आपके साथ इंटरव्यू किया था, आपने कहा मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और कभी कभी न्यूयॉर्क भी पूरा अपने गाने के लिए खाली करवा देता हूँ. तो इस फिल्म में क्या ज़िद्दीपना आपका दिखाई दिया और क्या ये इन लोगों ने उस ज़िद्दीपन का साथ दिया सभी ने? आई थिंक ज़िद्दी से मैं पागलपन पे उतर आया. आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट आई वांटेड देम ऑल थ्री ऑफ देम इन फैक्ट फॉर दिस फिल्म स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. और फिर एक्शन को एक नॉच हायर ले जाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप बाइक चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, कार चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, यहाँ पर आपने प्लेन चेज देखा है. और अगर कार चेज देखा है उसको आर्कटिक में देखा है, आइस पर देखा है. बाइक चेज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन पोर्चुगल और हाई स्पीड बाइक चेज ऑन अ माउंटेन, दैट्स व्हाई आई थिंक वो रिएक्शंस मिलता है थिएटर में. आई थिंक एवरीबडी इज ऑन द एज ऑफ द सीट बिकॉज द कर्व्स आर सो डेंजरस, वेरी रिस्की. तो आइडिया था वेदर इट्स इवन टाइगर्स वन शॉट एक्शन इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग वॉज टू पुश देम, पुश द टीम, पुश द प्रोडक्शन, पुश द लोकल लाइन प्रोडक्शन कि मुझे ये चाहिए और ये करना है. आई थिंक तभी जाके आई थिंक ऐसा एक स्पेक्टिकल बन पाया है जिद से. रितिक हाय. वानी एक आपसे भी सवाल था कि कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो सबसे यादगार आपके लिए रहा हो फिल्म के दौरान, जिसे आप याद करती हो अभी? आई थिंक द इंटायर पूरा टाइम जितनी भी जितना एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने काम किया इस फिल्म में, मुझे लगता है एवरी सीन, एवरी बिहाइंड द सीन, यू नो द वी शॉट और एवरी सिंगल डे फॉर मी काउंट्स. क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मुझे भी आई थिंक एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिला. सिद्धार्थ एनशोर्ड की यू नो ही प्रेजेंट्स मी इन अ वे जो जैसे मैं पहले नहीं प्रेजेंट हुई, एंड द फैक्ट दैट आई वाज वर्किंग विद रितिक आई थिंक इट वाज फिनोमिनल. ही इज़ सुपर काइंड एंड ही इज़ सुपर सुपर स्वीट, यू नो हाउ ही इज. रितिक रितिक हाय रितिक. Hi Ritik, this is Ravi from ABP News. Okay, yes, okay. Please, thanks. Ritik, hi. Yes, hi. You have done quite a few action entertainers in the past. Really? Where? Yeah, hardly get to do. Main itni koshish mein rehta hun. This is my favorite kind of film. Milte hi nahi hai mujhe. Of course, you are very... Sun rahe ho? Hello? But of course, you are a very versatile actor, I mean, besides action entertainers. But if you look at war, I mean, you think the portrayal by far has been the best of yours in an action film, and the bar is really raised now. Okay, without taking credit to myself for this, because I give that to my director always, whether I'm good or bad. So the credit of this goes to Sid, but I do agree with you. I feel that what Sid has been able to do and bring out of me through Kabir has been definitely one of my most aspirational, the most satisfying experiences of my life. That's for sure. Yes. That's true. Thank you. Yes, sir. You had a question? Hi, Ritik. This is Ravi from ABP News. Ritik, back to back, आपकी दो फिल्में सुपर हिट हुई हैं. आप बहुत चूजी माने जाते हैं फिल्मों के मामले में. कभी कभी एक साल में एक फिल्म आती, कभी दो साल में एक फिल्म आती रही हैं पिछले कई सालों से. अब क्या इन दो फिल्मों के हिट होने के बाद वो बदलेगा, वो चलन बदलेगा? आप ज़्यादा फिल्में करेंगे या उसी तरह आप ज़्यादा चूजी होकर ही फिल्में करेंगे? ये एक कोइंसिडेंस था कि बैक टू बैक तीन महीने में दो फिल्में आ गई. अब मैं क्या बोलूँ? अब शायद वक्त आ गया है फॉर मी टू बी एट माई इवन बेटर एंड बेस्ट व्हेन आई एम मेकिंग एनी decisions in my life. I am feeling very encouraged, very motivated. So I think I will choose even better films, even better. Lekin usme how much time it takes and all that is not really in my hands. But I promise my best work is yet to come. Whoa! Love it. Hi Siddharth. One more question to Tiger. Hi Siddharth. Just a second. Ek second. Ma'am, please just give us a second. Ravi ji, you can ask a question. Tiger, one question to you. Action आपका forte माना जाता है. Action में आप लाजवाब हैं
और एक कंफर्ट जोन भी बन गया है कि हर फिल्म में एक अलग तरह का एक्शन आपका देखने को मिलता है, क्या आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाकी तरह के रोल्स भी ट्राई करना चाहेंगे या आपके जहन में अब वो प्ले करने लगा है क्योंकि लगभग 5 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए? आई थिंक वॉर में जिस तरह मैंने एक एक कोशिश की मैंने एक अलग किरदार निभाने के लिए, आई थिंक दिस वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल फॉर मी. एक्शन की बात करें तो आई इन्जॉय दिस जॉनरा वेरी मच और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी थोड़ा अचीव किया है इस करियर में, तो आई थिंक आई क्रेडिट टू माई द फिल्म्स दैट आई हैव डन एंड प्राइमरली बीइंग एक्शन फिल्म्स ऑफ कोर्स. मेरे जितने भी इंस्पिरेशंस रहे हैं, यू नो, जैकी चैन से लेकर ऋतिक रोशन तक, सारे बड़े बड़े एक्शन हीरोज हैं, तो आई एम इंस्पायर्ड टू बी लाइक देम, इंस्पायर्ड टू डू थिंग्स लाइक देम. एंड खासकर इस इंडस्ट्री में जहाँ इतना कॉम्पिटिशन है, माई पीयर्स आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, हाउ डज वन स्टैंड आउट, हाउ डज वन क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ? तो बस एक पहचान क्रिएट करना है मुझे खुद को, खुद के लिए, और जस्ट टू बी आइडेंटिफाइड बाय यू सेइंग दैट आई एम एन एक्शन हीरो, फॉर मी दैट्स मोर देन इनफ रियली. थैंक यू.